कुछ फिल्में अपने बोल्ड सब्जेक्ट की वजह से सुर्खियों में रह जाती है। फिल्म कचरा पेटी भी एक बोल्ड सब्जेक्ट वाली फिल्म है। इस फिल्म में बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन को लेकर मामला दिखाया गया है। हाल ही में इस फिल्म के कंप्लीट होने की खुशी में एक पार्टी रखी गई जहां पर मौजूद रही इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट। यहां फिल्म कचरा पेटी पूरी होने की खुशी में एक पार्टी रखी गई है। बालकों के शोषण के साथ ही समाज के घिनौने चेहरे को इसमें पेश किया गया है। कचरा पेटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोगों की जिंदगी में रोज हम उसका सामना करते हैं। हर इंसान की जिंदगी में कम से कम एक दिन में 10 भिखारी उसके सामने आते हैं, मगर उसने इंसान ने कभी ये नहीं सोचा कि एक्चुअली ये है क्या। हम लोग जो जिनको भिखारी समझते हैं, इसके पीछे कौन सी गैंग है। मैंने बहुत रिसर्च किया, जब बाद में मुझे पता चला कि ये अपनी मर्जी से कोई भीख नहीं मांगता है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े गैंग्स हैं जिसमें बहुत बड़े मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं मेरी कहानी में। और होता यह है कि बड़े घरों के बच्चों को किडनैप किया जाता है दूसरे शहरों से, यहाँ लाके उनसे भीख मंगवाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उनसे जिसमें फरोशी भी कराई जाती है। इस फिल्म में नए चेहरों का नजारा दिखेगा। इसमें लीड रोल निभाने वाले अभिनेता ने इसे प्रोड्यूस भी किया है। इनका किरदार एक जर्नलिस्ट का है। आजकल क्या लोग चाहते हैं कि समथिंग जो हो रहा है, जो समाज में जो गलत गलत काम हो रहे हैं, जैसे अगर हमने देखा होगा कि बच्चों को आजकल किडनैप कर किया जाता है, बाकी पिक्चरों में दिखाया गया जैसे झोपड़पट्टी के बच्चे उनको किडनैप किया गया या उनको उनको उनके साथ भीख मंगाई जाएगी। अब ये जो पोर्शन, ये जो हम लोग का जो स्टोरी है, ये ऐसा है कि जो हायर सोसाइटी के जो बच्चे हैं उनको टारगेट किया जाता है सर, उनको टारगेट करके उनको फिर किडनैप करके उनके माँ बाप से फिरौती मांगी जाती है और उनको भिखारी बना दिया जाता है। यानी फिरौती देने के बाद में भी वो लोग माँ बाप को बच्चे नहीं देते क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, खास करके फॉरेन से जो लोग आते हैं, फॉरेनर्स लोग जो आते हैं उनको उनके पास वहाँ के अच्छे गोरे गोरे बच्चे देते हैं, उनकी डिमांड बहुत होती है, उनके साथ फिर क्या क्या गलत होता है, ये सब ये पिक्चर में दिखाया गया। इस फिल्म में महर्ष एक प्रमुख बाल भूमिका निभा रहे हैं। इनके रोल के बारे में इनसे ही सुनिए। इस प्रोजेक्ट में मेरा किरदार भिखारी का रोल है। मैं बड़ा सपना लेकर आया होता हूँ कि मुझे माँ को, लाला के यहाँ से माँ को छुड़ाने के लिए पैसे इकट्ठा करने, पर इस शहर में आकर एक गैंग ने मुझे लेकर भीख मंगाने का शुरू कर दिया। तमन्ना ने इस फिल्म में जर्नलिस्ट की प्रेमिका का रोल किया है जो ग्लैमरस है। आई एम प्लेइंग अ रोमांटिक पार्ट देयर। मेरा जो स्टोरी है उसमें पहले मेरे पापा जो रहते हैं वो मेरी शादी किसी और के साथ फिक्स करते हैं, जो एक बिजनेसमैन रहता है लेकिन वो फ्रॉड रहता है। तो जो हीरो है ही इज अ रिपोर्टर, तो वो बेसिकली मेरा उनका पर्दाफाश कर देते हैं एंड फाइनली मुझे उनके साथ लव हो जाता है। अपने विषय से कचरा पेटी दर्शकों को कितना रिझा पाती है ये तो फिल्म प्रदर्शित होने के बाद मार्च में ही पता चलेगा। कैमरामैन नीलेश पोटले के साथ अवनिंद्र आशुतोष, लेमन टीवी, मुंबई। साहब वैसे अपुन ने काम किया है, स्कूल ले जाने वाली पेटी से काफी किताबें निकाल कर फेंक दी और कसम खाकर इस शहर में पेटी लेकर आ गया है कि एक दिन ये पेटी भरकर पैसा ले जाऊंगा और लाला की यहाँ से माँ को छुड़ा लाऊंगा।